बारिश हो गई है काफ़ी और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। बड़ी प्यारी ठंडी सी हवा चल रही है, तो चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर के क्या सीन्स हैं और बाहर जाके कुछ एंजॉय करते हैं माहौल को। बाहर निकला हूँ, मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप तेज़ थी, तो जैसे ही बाहर निकला हूँ जूस पे मेरी नज़र पड़ी है, तो ख्याल आया कि मौसम भी अच्छा है तो जूस भी पीना चाहिए। पास नहीं है, चुकंदर ला के लिया आपको, छुरी ला ला। और ये हमारा हेल्दी ड्रिंक जो है वो तैयार हो गया है, चकंदर, माल्टा और गाजर। मैं इस टाइम मौजूद हूँ नहर जनावाला झाल पे। झाल जो है ये बेसिकली बनाई जाती है पानी के फ्लो को स्पीड अप करने के लिए, यानी ये जो सामने आप देख रहे हैं पानी यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ पे स्लोप है, यानी पानी जो है वो एक फ्लो से चल रहा होता है नहर में, और ये हर नहर पर तकरीबन बनाई जाती है, तो हर 6-7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पे ये बनी होती है हर नहर पे। तो ये जो सामने स्लोप नज़र आ रही है, यहाँ से पानी की जो स्पीड है वो पानी के फ्लो को काफ़ी तेज़ कर देती है। वाओ, यहाँ पानी की आप आवाज़ देखें और यहाँ पे देखें पानी का प्रेशर किस फ्लो से आ रहा है, कैसे मतलब वहाँ से पानी स्लोप पे नीचे गिर रहा है, और पानी की स्पीड आप चेक करें, मतलब अंदाज़ा करें कि कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। और यहाँ पानी की जो आवाज़ है वो बड़ी ज़ोरदार किस्म की है, और लिटरली यहाँ पे खड़े होके पानी की आवाज़ सुन के ना, यानी डर लग रहा है मुझे, और ये वही फीलिंग आ रही है जब आप ट्रैवल करते हैं ना दरिया नीलम पे या दरिया कुनहार के साथ साथ, तो वो जो एक पानी की आपको आवाज़ आती है ना, पानी की जो फील आती है, वो सेम यहाँ पर आपको महसूस हो रही होगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये नहर के दोनों साइडों पे ये खुली जगह है, यानी कि जैसे नहर की पटरी कहा जाता है, इस साइड पे भी है और इसके ऑपोजिट साइड पे भी ऐसे ही है, और ये पाकिस्तान में हर नहर के साथ ऐसे तकरीबन ऐसी जगह होती है नहर के साथ साथ। तो अच्छा, तो जो पटरी मैंने आपको अभी दिखाई है ना, वो अचानक मेरे जहन में अभी ख्याल आया कि पाकिस्तान में जितनी इस तरह की जगह है ना, वो हुकूमत अपने इस्तेमाल में ले गया है, यानी कि अब दूसरा ये है या सामने जगह है वहाँ पर अगर लोगों को ये जगह दी जाएँ, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, तो ये नौजवानों को दी जाएँ, लोगों को दी जाएँ, वो यहाँ पे सब्ज़ियाँ काश्त करें, यहाँ पे फलों के दरख्त लगाएँ, इसके अलावा जिस तरह हमारा ज़रई मुल्क है इसको ज़रात के लिए इस्तेमाल किया जाए ऐसी जगहों को, इसी तरह ही रेलवे की जगह देखते हैं हम काफ़ी जगहों में पड़ी होती है, तो हुकूमत को वैसे चाहिए कि इस तरह के मनसूबे शुरू करें और इन जगहों को ज़ेर इस्तेमाल लेके आएँ। मौसम तय भी नहीं है? नहीं 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 यार, मौसम जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है ना, चाय तो बनती है, हैं? अब सामने ऑपोजिट साइड पे है चाय मेरे ख्याल, तो चलते हैं वहाँ पे पीते हैं यार चल के चाय, क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो यार? शक्कर वाली चाय भी है कूड़ा ली? दो कप इस तरह करो फिर बेहतरीन जे ना ना पियो। लें जनाब चाय, माशाल्लाह बहुत मज़े की है, शक्कर वाली चाय है, तो नहर का किनारा भी है, चाय भी है, अब बस पकौड़ों की कमी, अगर पकौड़े होते तो ऐसे ही था जैसे हम दरियाए नीलम भी बैठे हैं। अच्छा यार, मौसम धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन सर्दी भी है आज, है ना? सर्दी की शिद्दत जो है ना वो है, और नहर पे आके ज़्यादा मतलब सर्दी लग रही है, ज़्यादा फील होती है। बिल्कुल,